अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ क्रिस्पी चिकन लेग्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो सभी को पसंद आती है, आपको भी जरूर पसंद आएगी। बहुत आसान रेसिपी है, आप इसे घर में बनाने की जरूर कोशिश करें। क्रिस्पी चिकन लेग्स बनाने के लिए हमने हाफ के जी चिकन लेग्स लिए हैं और इसमें हम इस तरह गैशेज लगा लेंगे ताकि हमारे जो मैरिनेशन है वो अंदर तक इसके ऑब्जर्व हो जाए। हमने अपने चिकन लेग्स में सब में इस तरह गैशेज लगा लिए हैं। हमने चिकन लेग्स लिए हैं, आप इसकी जगह होल चिकन भी ले सकते हैं और मैरिनेशन यही लगाएंगे। इसकी मैरिनेशन के लिए हमने हाफ टी स्पून लहसुन पेस्ट, हाफ टी स्पून अदरक पेस्ट, नमक हमने हाफ टी स्पून लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालें। हाफ टी स्पून फ्रूट चाट, हाफ टी स्पून आमचूर पाउडर, आप आमचूर पाउडर की जगह नींबू भी डाल सकते हैं। इसमें हम 1 टीस्पून चिकन फ्राइड मसाला डाल रहे हैं। अगर आपके पास चिकन फ्राइड मसाला ना हो तो आप इसकी जगह हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर और काली मिर्च पिसी हुई डाल दें। 1 टीस्पून विनेगर, आप विनेगर भी कोई भी ले सकते हैं। 1 egg, 1 tablespoon ग्राम फ्लोर यानी बेसन, 1 tablespoon ही कॉर्नफ्लावर। अब हमें इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करना है और इसे 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दें। हमने अपने चिकन को 2 घंटे मैरिनेट कर लिया है, बस अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने ये 2 eggs लिए हैं जिसे हमने अच्छे से फेंट लिया है और इसके अलावा हमने थोड़ा सा मैदा लिया है। चिकन को कोट करने के लिए जो हमने एग फेंटे थे इसको हम इसमें ऐसे कोट करेंगे। और फिर इसे हम अपने मैदे में कोट करेंगे। इसे मैदे में हमें अच्छे से कोट करना है और इसी तरह हम अपने सारे लेग पीस इसी तरह पहले अंडे में कोट करेंगे और फिर मैदे में। हमने अपने चिकन को अंडे और मैदे में अच्छी तरह कोट कर लिया है और हमने अपना ऑयल भी मीडियम हाई फ्लेम पर हॉट कर लिया है। अब हम अपने सारे लेग पीसेस को एक एक करके फ्राई करेंगे। इसे हमें बीच में नहीं चलाना है, अगर हम इसे बीच में चलाएंगे तो इसकी सारी कोटिंग अलग हो जाएगी। जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाए इन्हें आपको हिलाना नहीं है। अब आपके लेग पीसेस एक तरफ से ब्राउन हो जाएं तो आप एक फोक की हेल्प से इन्हें फ्लिप कर दें। जब आपके लेग पीसेस लाइट ब्राउन हो जाएं तो आप इन्हें निकाल लें क्योंकि इन्हें क्रिस्पी करने के लिए हमें एक और बार फ्राई करना है। इसी तरह हम अपने बाकी के पीसेस भी फ्राई कर लेंगे। हमने अपने लेग पीसेस को एक बार फ्राई कर लिया है, हम इसे 30 सेकंड तक दोबारा इसे फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। हमारा चिकन फ्राई होकर तैयार हो गया, ये देखिए आप, बहुत क्रिस्पी बना है। ये देखिए आप, इसकी कोटिंग बिल्कुल अलग नहीं हो रही, ये बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार बना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।